नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है 24 के चौसर का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज बीच चुनाव बड़ी खबर सामने आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चुनाव आयोग को राहत दी बल्कि वोटिंग को लेकर रिलीज होने वाले फाइनल डेटा पर मचे बवाल पर फिलहाल किसी भी प्रकार का निर्देश देने से इनकार कर दिया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की टाइमिंग को लेकर भी सवाल किया। वहीं चुनाव आयोग ने बीच चुनाव मतदाताओं के मन पर इसके विपरीत प्रभाव का जिक्र किया और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस इसे बताया। मामला फॉर्म 17C से जुड़ा है जो हर बूथ के वोटिंग का रिजल्ट बताता है, लेकिन वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया जाता चुनाव आयोग की तरफ से, और इसी को लेकर पूरा बवाल मचा है। आज एक जागरूक मतदाता के रूप में हमारी आपसे अपील है, कोर्ट रूम की पूरी प्रोसीडिंग से लेकर इस पूरी प्रक्रिया की ABCD को आज जरूर गौर से समझिए और देखिए वोटिंग डेटा पर मचा बवाल, चुनाव आयोग पर कैसा सवाल। चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अठारहवीं लोकसभा के लिए 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और वोटिंग परसेंटेज ने दोनों गठबंधनों को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन चुनाव के फेज आगे बढ़ने के साथ साथ जारी हो रहे चुनाव के आंकड़ों ने एक नया राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि किसी भी चरण के मतदान के पूरे होते ही चुनाव आयोग मतदान से जुड़े आंकड़े जारी करता है, मगर ये अंतिम आंकड़े नहीं होते। चुनाव आयोग किसी भी चरण के कुछ वक्त बाद कितना मतदान हुआ उसका अंतिम आंकड़ा जारी करता है। इस बार के चुनाव में इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी शुरुआती और अंतिम आंकड़ों में आ रहे फर्क पर विपक्ष और कई जानकार सवाल उठा रहे हैं। 2024 के चुनाव में फॉर्म 17C को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड करे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस याचिका का विरोध किया है। इसके लिए 2019 के डेटा का भी हवाला दिया गया है और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। जैसे जैसे मतगणना की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे वैसे वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। घमासान इतना बढ़ा कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने वोटिंग प्रतिशत मामले पर याचिका लगाई थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों में हेरफेर होने का आरोप लगाया गया और मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैंड कॉपी अपलोड करने का आदेश दे। इसके साथ संस्था का दावा है कि चुनाव आयोग की ओर से जारी शुरुआती डेटा और फाइनल डेटा में 5% का अंतर है। जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं वोटिंग कितनी हुई है उसके और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे, दूसरा फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया, ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर। वोटिंग प्रतिशत मामले पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के वेकेशन बेंच ने सुनवाई करते हुए मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 फेज की ही वोटिंग बाकी। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। चुनाव बाद रेगुलर बेंच इस पूरे मामले को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यों की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ADR के वकील दुष्यंत दवे से कहा कि हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती,
कुछ पैसे इंटरेस्ट में होती है। लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आपने ये याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि फॉर्म 17C को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। आरोप लगाया गया है कि फाइनल डेटा में 5 से 6% का फर्क है। यह आरोप पूरी तरह से गलत है। चुनाव जारी है और आयोग को लगातार बदनाम किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि महज आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए अपने फैसले में तमाम पहलू स्पष्ट कर दिए थे। वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए मनिंदर सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाए जाने की भी मांग की। चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। आयोग ने कहा कि चुनाव चल रहे हैं और ये इस तरह बार बार अर्जी दाखिल कर रहे हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर याचिका का विरोध किया और दलील दी कि अगर फॉर्म 17C की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की गई तो अफरा तफरी मच सकती, वेबसाइट से कॉपी लेकर उसकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ हो सकती, उससे आम लोगों का चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे को नुकसान हो सकता है। चुनाव आयोग की इस दलील पर कांग्रेस बुरी तरह से हमलावर है। जवाब देखें आप, हलफनामे में जो आया है इतना अचंभित करने वाला, इतना मजाकिया जवाब मैंने तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं देखा। पहला इसमें बिंदु है कोट अनकोट, इट इज अनडिजायरेबल एंड अनफीजिबल टू डिस्क्लोज दिस डेटा। डेटा अपलोड करना कभी अनफीजिबल और अनडिजायरेबल हो सकता है? पैरा 36 में एक और जबरदस्त गंभीर मजाकिया दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है, कोई भी संस्था अपलोड करती है कुछ चीज तो ये डर या भय है कि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोएं ली जा सकती हैं। अगर ये लॉजिक या तर्क या कुतर्क लगाया जाए तो कोई भी डेटा किसी प्रकार का अपलोड हो ही नहीं सकता, ये सीधा छुपाने की प्रक्रिया है। अब ऐसे ही अच्छा हुआ कि मामला बीच चुनाव कोर्ट में गया, क्योंकि सीधा सीधा कोर्ट की तरफ से जब इस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है कि मतदाताओं के मन पर इसका प्रभाव होता है, एक भरोसे पर प्रभाव होता है और वैसे भी वोटिंग परसेंट कम है, तो फिर ये विपरीत असर भी डाल सकता है। तो कम से कम चुनाव तक इस पर जो बहस हो रही है, बवाल मच रहा, उस पर उम्मीद की जानी चाहिए कि लगाम लगेगी। लेकिन अब 7 चरणों में ये जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, 5 चरण की वोटिंग आप जानते हैं हो चुकी है। 2019 की तुलना में 1 चरण को अगर आप छोड़ दें तो हर चरण की वोटिंग इस बार कम रही है। वहीं वोटिंग 4-5 दिन बाद जो फाइनल आंकड़ा जिस तरह से चुनाव आयोग जारी कर रहा है वोटिंग को लेकर, उसे लेकर विपक्ष ने दरअसल सवाल उठाए। रियल टाइम डेटा और जो 4-5 दिन फाइनल डेटा आ रहा है उनके बीच एक बड़ा अंतर है। चुनाव आयोग ने पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत का फाइनल डेटा आपको याद होगा 11 दिनों बाद जारी किया था। इसके बाद फिर दूसरे चरण की वोटिंग के फाइनल आंकड़े 4 दिन बाद जारी किए। हर फेज के डेटा में वोटिंग परसेंट बढ़कर सामने आया। अब तक कितना अंतर रहा फाइनल वोटिंग परसेंट और उसी दिन जो रियल टाइम डेटा है उसके आंकड़ों में, अगर वो डिफरेंस हम आपको दिखाएं तो देखिए, एक एक कर हर फेज की चर्चा करते हैं। पहला फेज 19 अप्रैल को हुआ था, देखिए वोटिंग परसेंट 64% था रात 12 बजे यह सामने आया। फाइनल 30 अप्रैल को यह सामने आता है। दरअसल यही जो इतना टाइम लिया जा रहा बीच में, इसको लेकर विवाद है। और फिर ये 66.48% हो जाता है, यानी कि कितना बढ़ा, 2.48%। अब दूसरा फेज देखिए, दूसरे फेज में वोटिंग परसेंट था 64.7%, ये 26 अप्रैल को हुआ था रात 12 बजे का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। फाइनल 30 अप्रैल को सामने आया 66.71, अंतर कितना, 2.01%। तीसरा फेज देखिए, 7 मई को तीसरा फेज हुआ, वोटिंग परसेंट 64.4%, उस दिन का रात 12 बजे तक का फाइनल, 13 मई को 65.68, 1.28% बढ़ गया। अब चौथे फेज की बात करते हैं, 13 मई को चौथा फेज हुआ, वोटिंग परसेंट 67.71, उसके बाद 69.16, फाइनल ये 17 मई को आता है और फिर कितना अंतर होता है, 1.45%। अब पांचवा जो अंतिम फेज अभी हुआ था उसमें 20 मई को वोटिंग हुई रात 12 बजे 60.09% दिखाया गया, फाइनल 23 मई को यह रिजल्ट आया यानी 3 दिन बाद और 62.2%, 2.11% इतना बढ़ गया। और यह मतदान के फाइनल और उसी दिन के आंकड़ों में भले आपको अंतर जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे 2.00% इससे ज्यादा बढ़ता दिख नहीं रहा, अगर ओवरऑल ऑन द होल अगर आप बात करें तो यह ज्यादा उससे नहीं बढ़ता दिखता। लेकिन यहां ये जो छोटा अंतर अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि देश की कई ऐसी सीट्स हैं जहां एक एक वोट के लिए टफ फाइट होती है, सीट निकल जाती है हाथ से और जीत हार के बीच इन्हीं चंद वोटों का अंतर होता है और इस लिहाज से ये छोटा अंतर भी भारी असर डालता है। 2019 लोकसभा चुनाव की कुछ ऐसी ही सीट्स हैं, हम आपको दिखाते हैं ताकि आप इसे और बेहद दिलचस्प तरीके से समझ पाए कि यह छोटा छोटा अंतर इस पर बवाल क्यों मच रहा है। देखिए ये देखिए,
लोकसभा क्षेत्र था मछली शहर, यहां पर भोलानाथ जीते थे। जरा जीत का अंतर आप खाली अगर देखिए, मैं ना भी बताऊं आपको जीत का अंतर देखिए, 181 सीट। दूसरी सीट थी लक्ष्मणदीप की, यहां पर एनसीपी के कैंडिडेट जीते थे 824 वोट मात्र। तीसरी सीट थी ये आरामबाग की सीट थी, बीजेपी के तपन राय जीते थे 1142 वोट, 1407 वोटों से विशाल जौली जीते थे बीजेपी के कैंडिडेट, ये अंडमान निकोबार में जीते थे। तो ये जीत का अंतर जो है दरअसल ये बहुत ज्यादा कम है। सिर्फ यही नहीं, कुछ और सीटें हम आपको दिखाते हैं। देखिए बड़ा चेहरा अर्जुन मुंडा बीजेपी के जीते थे कितने वोटों से, कांग्रेस के कालीचरण से 1445 वोटों मात्र, इतने के अंतर से जीते थे। अब आपको दिखाते हैं जहानाबाद, यहां पर चंदेश्वर प्रसाद जीते थे जेडीयू के सुरेंद्र यादव से 1751 वोटों से, 1817 वोटों से जीते थे। इसके बाद ये श्रीनिवास प्रसाद जीते थे बीजेपी के, और ये चामराजनगर से जीते थे। उसके बाद देखिए कोरापुट से अगर देखा जाए तो यहां पर भी जीत कांग्रेस को मिली थी 3613 वोटों के मात्र अंतर से। ये हमने आपको कुछ सीटों का सीधा सीधा हाल दिखाया, और यही वजह है कि वोटिंग प्रतिशत में अंतर को मिलाकर ये जो अंतर है इसको लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है और मामला कानून की चौखट तक जा पहुंचा है। लेकिन अब कम से कम चुनाव तक इस पर विराम है। चुनाव आते ही विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाने की कवायद शुरू हो जाती, लेकिन इस बार आरोप चुनाव आयोग और चुनाव की प्रक्रिया तक पहुंच चुकी। विपक्ष ने इस बार कानून का दरवाजा खटखटाते हुए वोटिंग के आंकड़ों पर सवाल दाग दिया। विपक्ष ने चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म 17C को 48 घंटे में जारी करने का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आइए आपको बताते कि फॉर्म 17C है क्या। फॉर्म 17C को आसान भाषा में समझें तो इस बात की जानकारी कि एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म 17C उपलब्ध होता है। 17C फॉर्म में लिखा जाता है कि किसी एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के 49A और 56C के तहत चुनाव अधिकारी को फॉर्म 17C के पार्ट 1 में वोटों की जानकारी भरनी होती। चुनाव अधिकारी को यह जानकारी मतदान खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट्स को मुहैया करवाना होता। ADR ने अपनी याचिका में फॉर्म 17 की स्कैन हुई कॉपी भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग की थी, जिस पर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले में जवाब देने के लिए कहा था। 22 मई को चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा वेबसाइट पर हर मतदान केंद्र के मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनाव मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये मशीनरी पहले ही लोकसभा चुनावों के लिए काम कर रही, पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं, इससे पूरे चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन आंकड़ों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग की इस दलील पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैरानी जता रहे हैं। मुझे तो हैरानी है कि ये डेटा में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हुई, क्योंकि जो ये डेटा है वो उसको प्रोसीजर समझना चाहिए कि ये सब रियल टाइम डेटा है, साथ साथ क्रिएट होता रहता है, उस वक्त तक की वो पोलिंग साथ के साथ विद इन ए सेकेंड जनरेट होते जा रही है, लाइव डेटा। ठीक है, ये है 17A। जब पोल खत्म हो जाता है तो उस वक्त इसकी 17A की समरी बनाई जाती है फॉर्म 17C में। अब 17C में सिर्फ 3 कॉलम है, तो लेटेस्ट अगली दोपहर तक ये डेटा जो है ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए और बल्कि वेबसाइट पर भी डाल देना चाहिए। बीच चुनाव में आंकड़ों और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठे तो बीजेपी और पीएम मोदी को भी विपक्ष पर हमले का मौका दे दिया। मोदी जनता के बीच विपक्ष के डर और हार की भविष्यवाणी करने लगे।